हाय गाइस, दिस इज वीबू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेस पर। गाइस, आज हम आपके साथ में लेके आए हैं महिंद्रा XUV 5W का एक ओवरव्यू। मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें हैं XUV 5W में और क्यों ये गाड़ी जो है वो स्पेशल है महिंद्रा की तरफ से, क्यों इसने XUV सेगमेंट में कम्फर्ट और कन्वीनियंस को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि लोग अब SUVs में भी लग्जरी ढूंढने लगे। तो फिलहाल तो हम लोग हैं कंसेप्ट महिंद्रा नोएडा पे, और इन केस आप जो है वो नई गाड़ी प्लान कर रहे हो, महिंद्रा हो, नॉन महिंद्रा हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, तो यहाँ पर आपको मिल सकती है बेस्ट डील ऑन एनी कार दिल्ली NCR से अगर आप बिलोंग करते हो। तो फिलहाल तो करते हैं गाइस इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि XUV 5W में ऐसा क्या है कि वो आपको कर सकती है इंप्रेस। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस ओवरव्यू को, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन केस आप अपनी गाड़ी यहां पर सेल आउट करना चाहते हो, यू कैन चेक आउट कार्स 24 और कार्स 24 जो है वो आपकी गाड़ी के ऊपर लगाते हैं ऑक्शन, और यहां पर ऑक्शन पे जो सबसे बेहतरीन भीड़ आती है वो होती है आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू, यानी कि रीसेल वैल्यू सबसे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो कार्स 24 चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कार्स 24 है, फ्री RC ट्रांसफर यहां पे आपका वेट कर रही है, यानी कि कार्स 24 फ्री RC ट्रांसफर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। चलो अब सीधा लुक के तरफ चलता हूँ, लेके महिंद्रा XUV 5W, ये जो है फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट ही जनरेशन में है फिलहाल तो अपनी, और इसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो महिंद्रा प्लान कर रहा है ऑलरेडी, और मोस्ट लाइकली अब हो सकता है कि सैंगयोंग की कोई एक गाड़ी हो जिसके ऊपर इसको प्लान किया जाए, जैसे कि XUV 3W टिबोली के ऊपर प्लान की गई थी। जब ये गाड़ी आई थी 2011 में तो बहुत लंबा वेटिंग पीरियड इस गाड़ी के ऊपर हुआ करता था, उसके बाद फेसलिफ्ट आए, एक लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो इसका फेसलिफ्ट आया था, उससे पहले एक फेसलिफ्ट आया था जिसमें DRLs अलग हुआ करते थे, ऐसे डायगनल DRLs जो है वो रन किया करती थी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपको बहुत ही बड़ी सी एयर डैम देखने को नज़र आएगा, और महिंद्रा का लोगो आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा, क्रोम फिनिशिंग ऑल अक्रॉस द एयर डैम आपको यहाँ पर देखने को नज़र आने वाला है। फिलहाल ये जो क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को नज़र आ रही है ये भी काफ़ी अच्छी है, ब्लैकआउट ही यहाँ पर इसको भी किया गया है, एंड ये भी क्रोम फिनिशिंग आपको अभी अच्छी लगेगी। फिलहाल अगर मैं हेडलाइट टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्टेड हेडलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, रिफ्लेक्टर यूनिट आपको देखने को नज़र आएगा, ब्लैकआउट जो है वो कंप्लीट किया गया है, DRL ऊपर से दिया गया है, पहले जो है वो DRL ऐसे करके ऐसे आया करता था, वो वाली यूनिट मुझे काफ़ी स्पेशली पसंद थी। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दिया गया है और कॉर्नरिंग लैंप भी आपको यहीं पर माउंटेड नज़र आएगा, ये कॉर्नरिंग लैंप एंड ये हाई बीम के लिए यहाँ पे दिया गया है। थोड़ा सा नीचे लेके चलूँ अगर तो यहाँ पे फॉग लैंप यूनिट है जो कि हेलोजन ही है, दीज आर नॉट LEDs, सो यहाँ पे हेलोजन यूनिट दी गई है, क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल, एंड यहाँ पर क्रीसेस जो है वो आपको देखने को नज़र आएगी। थोड़ा सा इधर लेके चलूँ तो एक छोटा एयर डैम यहाँ पर दिया गया है, हालाँकि कोई भी स्किड प्लेट एज सच यहाँ पर नहीं ऑफर करती है महिंद्रा इसके अंदर, एंड हल्के से आपको एलिमेंट यहाँ पर भी देखने को नज़र आएगा। फिलहाल जो है वो मैं इस तरफ से लेके चलता हूँ ताकि स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाए और ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो जाए गाड़ी का। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये है फेंडर, तो फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर नहीं दिया गया, ये अच्छी बात है। व्हील आर जो है वो सर्कुलर रखा गया है, एंड डायमंड कट अलॉय व्हील आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ब्रिसन के व्हील्स हैं इसके अंदर, 235/60 रेडियल 18 इंच का ये टायर है, और आपको जो है वो मैकफर्सन स्ट्रट ही यहाँ पर देखने को नज़र आएगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ORVM जो है वो टर्न इंडिकेटर के साथ में आती है, काफ़ी बड़ा टर्न इंडिकेटर यहाँ पर भी देखने को नज़र आएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये जो है वो इलेक्ट्रिक ORVM आपको देखने को नज़र आएगा, और ये जो हैंडल है हैंडल बार ये काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी इवोल्यूशन के बाद में जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया हुआ है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है और यहाँ पे की के लिए भी एक होल दिया गया है। क्रोम की फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को नज़र आने वाली है गाइस, काफ़ी अच्छी लगती है ये भी, और फिलहाल नीचे अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक की फिनिश और क्रोम फिनिशिंग जो है नीचे भी दी गई है पीछे तक। विंडो एरिया देखो गाइस, मैसिव विंडो एरिया इस गाड़ी का जो है वो दिया गया है, काफ़ी बड़ा जो है वो विंडो एरिया दिया गया है, तो आप इनकेस कहीं जा रहे हो कभी पेनोरामिक व्यू आपको देखना है तो ये विंडोज़ आपके लिए बहुत सूट करेंगी। पीछे भी जो है वो एक क्वार्टर मिरर दिया गया है, हालांकि दिस इज़ नॉट बटरफ्लाई मिरर, यानी कि आप इसको खोल एक्चुअली यहाँ से नहीं सकते, बट एनीवे थोड़ा सा पीछे चलते हैं
और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आपको देखने को नजर आएंगी, एंड यहाँ पे जो है वाइपर का सेट आपको दिया गया है, XUV 500 का लोगो, W11 यागनी के टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम यहाँ पर आपको ये देखने को नजर आएगा। नीचे भी चार पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, यानी ये नो कॉस्ट कटिंग एट ऑल, एंड थोड़ा और नीचे चलोगे तो रिफ्लेक्टर यूनिट भी आपको देने को नजर आएंगे। ये डुअल एग्जॉस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को नजर आ रहे होंगे जो कि फंक्शनल है एक्चुअली, और यहाँ पर आपको फॉग लैंप यूनिट नजर आएगी, और दोनों साइड ही आपको फॉग लैंप यूनिट नजर आएगी, ब्रेक लाइट्स, LED टेल लाइट यूनिट आपको नजर आने वाली है, टर्न इंडिकेटर, एंड यहाँ पे जो है वो रिवर्स लाइट देखने को नजर आने वाली है। रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर दिया गया बूट का, और जैसे ही आप इसको ऊपर लेके चलोगे तो मात्र 93 लीटर्स का जो है वो यहाँ पर बूट नजर आएगा। इसके नीचे जो है वो आपको टूल किट, ये काफ़ी कम है इस सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियों के कंपैरिजन में। हेक्सा की अगर मैं बात करूँ तो 125 लीटर के आसपास जो है वो बूट ऑफर करती है, जो कि अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी खासी है। एक लाइट आपको यहाँ पर दी गई है, एंड यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो ऑलमोस्ट यूजलेस ही है ये वाला बूट स्पेस, तो यानी कि आपको इसके ऊपर जो है रूफ रेल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर इन वाली सीट्स को जो थर्ड रो की सीट्स हैं यूज़ करना है तो नीचे डालना पड़ेगा ताकि आप इनको ईजिली यूज़ कर सकें। फिलहाल तो हम लोग अंदर चलते हैं और ये वाला पैनल आपको ज़रा दिखा दूँ कि ये वाला पैनल कुछ तरीके का है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी या हैजार्ड लाइट देखने को नजर आएंगी जब भी आप गेट खोलोगे, हाईवेज वगैरह पे खड़े हो तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाली है। बॉटल होल्डर और बाकी पैनल दिया गया ताकि आप सामान वगैरह स्टोर कर सके। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORBM के स्विचेस, यहाँ पे जो है वो विंडोज़ के स्विचेस आपको देखने को नजर आएंगे, लॉक अनलॉक का बटन आपको यहीं पर देखने को नजर आने वाला है। फिलहाल मैं इनग्रेस करता हूँ और यहाँ से देखते हैं। देयर आई गो, 6-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स आपको यहाँ पर ऑफर करती है XUV 500, एंड स्कफ प्लेट भी जो है वो लाइटिंग के साथ में आती है। यहाँ पर भी एक आपको जो है फेक पैडल दिया गया है, एंड जो तीनों पैडल्स हैं उनको काफ़ी स्पोर्टी टच दिया गया है मेटल फिनिश के साथ में। थोड़ा सा ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूँ तो हेडलाइट लेवलर यहाँ पे देखने को नज़र आएगा, एंड ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो इस लीवर से, एंड यहाँ पे जो है फ्यूल लिड का लेवर दिया गया है। आप देखोगे कि ये जो स्टेयरिंग व्हील है वो पार्ट शेयर किया गया है स्कॉर्पियो के साथ में, तो ये वही स्टेयरिंग व्हील है। आपके पास में काफ़ी सारे बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं, इधर भी 4 बटन्स हैं बट उनके दो दो फंक्शन हैं, यानी कि 6 बटन ऑल अक्रॉस हो गए, 6 इस तरफ 6 इस तरफ। तो ये स्टेयरिंग व्हील की अगर फीड की बात की करूँ मैं या कैसी अच्छी फिनिशिंग है तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी है। ग्रैब हैंडल, थंब कंटूर आपको यहाँ पर दिए गए हैं तो ईजिली आप इनको ग्रैब कर सकते हैं। आई बिलीव दिस इज़ एडजस्टेबल एज वेल एज टेलीस्कोपिक, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये काफ़ी ओवलिश है आपको देखने में नज़र आएगा, और काफ़ी अच्छी प्रेजेंस भी है इसकी, 220 किलोमीटर मार्क करता है। ये वाला मेरे ख्याल में MID के लिए है, इस तरफ वाला टैकोमीटर, एंड ये वाला जो है वो आपको टेम्परेचर गॉज यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। ये वाला आपको जो है वो ट्रिप मीटर या फिर ऑडोमीटर या फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी फ्यूल गॉज वगैरह इन सब चीज़ों को दर्शाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपको डैशबोर्ड के सिम्बल्स देखने को नज़र आएंगे। फिलहाल गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर, इंटीरियर क्या क्या चीज़ें हैं वो ज़रा चेक करते हैं। गाइज ये जो केबिन है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉकपिट जैसा लगेगा, इसके अंदर इतने सारे बटन्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए है। मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ये इसका इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इन सभी चीज़ों के साथ में आता है, एंड यहाँ पर जो अवेलेबल जितने भी बटन्स हैं ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के ही बटन्स आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रहे होंगे। ये वाला पैनल जो है वो आपको देखने को नज़र आएगा फ़ोन के कंट्रोल्स के, नेविगेशन, फ़ोन, होम स्क्रीन, म्यूज़िक या रेडियो, इन सब के स्विचेस जो है वो यहाँ पर देखने को नज़र आएंगे। ये वाला पैनल आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की याद दिलाएगा, ईकॉन हो गया, AC, रियर AC, ऑफ, ऑटो, मोड्स अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो ये इस तरीके से बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि ये टच स्क्रीन है बट स्टिल आपको बटन्स दिए गए हैं फॉर नो रीज़न। यहाँ पर भी आप देखोगे आइडल स्टार्ट स्टॉप, ब्राइटनेस का बटन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का बटन, हिल लॉन्च, हिल डिसेंट का बटन, हजार्ड लाइट का बटन, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ बटन्स आपको देखने को नजर आएंगे। आपको ये प्रॉपर एयर क्राफ्ट की कॉकपिट जैसी नज़र आने वाली है। एक यहाँ पर भी जो है वो लीवर दिया गया ताकि आप USB केबल जो है लगा के चार्ज कर सकें या इसको कनेक्ट कर सकें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के थ्रू। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन थोड़ा सा ऑडली प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि इसको डैशबोर्ड पर आना चाहिए था, बट एनीवे यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। एंड इसका जो हैंड ब्रेक है तो आप देखोगे कि एक एंगल पे टूवर्ड्स जो है वो ड्राइवर इंक्लाइंड है, तो ये मेरे ख्याल में इसलिए क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं तो आप गियर के लिए, 6th गियर के लिए स्पेस शायद ना बना पाएँ और वो स्ट्राइक हो,
तो मेरे ख्याल में इसलिए थोड़ा सा इसको इंक्लाइन किया गया है। ये यहाँ पर जो है वो आपको ग्लव बॉक्स देखने को नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ग्लव बॉक्स भी, एंड कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा, जो कि स्टोरेज स्पेस भी आप इसके अंदर बना सकते हो कुछ इस तरीके का। और ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ब्रॉड है ये। इस चीज़ को मैं ज़रूर बोलूँगा कि महिंद्रा ने काफ़ी ब्रॉड आर्मरेस्ट यहाँ पर रखा है। यहाँ पर अगर मैं यूटिलिटी स्पेस की बात करूँ तो ये देखिए बॉटल होल्डर, यहाँ पर आप कुछ भी और भी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर जो है वो ग्लव बॉक्स दिया गया, लाइट दी गई है, द मोमेंट यू पुल दिस लीवर और लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सामान रखने की स्पेसेस है, पेन कार्ड वगैरह रखने की यहाँ पर स्पेसेस है, अंदर भी स्पेस दी गई है। तो यूटिलिटी के मामले में बहुत सारी स्पेस है, जैसे कि एक स्पेस यहाँ पर भी आप अपना वॉलेट वगैरह जो है वो यहाँ पे रख सकते हो, और एक यूटिलिटी की स्पेस आपको यहाँ देखने को नज़र आएगी जो कि ग्लास होल्डर है। पहले क्या हुआ करता था कि इसके अंदर ग्लास होल्डर जो है वो कन्वर्ट हो जाता था पीछे वाले लोगों से कन्वर्सेशन करने के लिए, कन्वर्सेशन मिरर शायद उसको महिंद्रा कहा करती थी, तो वो यहाँ पर इस वाले वेरिएंट में तो हेडलेस मिसिंग है। ये सनरूफ की कंट्रोल्स, तो कुछ इस तरीके से सनरूफ जो है वो इसके अंदर आता है। एंड ये रही इसकी लाइट्स जो कि एक्चुअली एलईडी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई भी आपको मिरर देखने को नज़र नहीं आने वाला है, एंड अच्छी बात ये है कि आप इसको कर सकते हो स्ट्रेच, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो उसको स्ट्रेच कर सकते हो ताकि जब भी आपके मुँह पर पड़े तो आप इसको आगे स्ट्रेच कर सकें। बट द सैड पार्ट इज़ ये दिया तो हुआ है लेकिन ये इस पोर्शन से आगे नहीं जा सकता है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान रख के बनानी चाहिए थी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी इस पार्ट से आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है इस जगह। IRVM अगेन ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलता है फॉर नो रीज़न, मुझे लगता है कि IRVM आ जाना चाहिए था। एक चीज़ है कि महिंद्रा जो है वो आपको इस वाली गाड़ी में 6 एयरबैग्स देती है बट स्कॉर्पियो में केवल 2 एयरबैग्स आते हैं, एंड स्कॉर्पियो के अलावा अगर मैं बुलेरो की बात करूँ तो केवल 1 एयरबैग वहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा कॉस्ट कट कर लेती है सेफ्टी के मामले में महिंद्रा। पीछे चलते हैं, पीछे का स्पेस चेकआउट करते हैं गाइस और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइस यहाँ से करते हैं इनग्रेस और बेज कलर का जो है वो आपको इंटीरियर नज़र आएगा, काफ़ी अच्छा फिनिश आपको यहाँ पर देता हुआ ये भी नज़र आने वाला है। बहुत अच्छा लेग रूम, बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, एंड काफ़ी अच्छा मुझे हेडरूम भी देखने को नज़र आता है। आपको आपके पास में अलग अपनी पर्सनल रीडिंग लैंप है और एक लैंप है जो शेयर की गई है यहाँ पे। तो शोल्डर रूम इज़ प्रीटी नाइस, 3 लोग बहुत प्यार से बैठेंगे यहाँ पे, और एक बीच में जो है वो आर्मरेस्ट दिया गया है, प्लास्टिक होने की वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, और हेड रिस्ट्रेंट जो है वो तीनों दिए गए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ गाइस नो फ्लोर हम्प, मतलब नामो निशानी नहीं है फ्लोर हम्प का। यहाँ पर 12 वोल्ट का DC सप्लाई दिया गया है, एंड जो AC वेंट्स हैं वो आपको मिरर में देखने को नज़र आएंगे, तो दिस इज़ गुड थिंग। रूफ़ पर नहीं दिए गए हैं, हालांकि रूफ़ के जो AC वेंट्स हैं वो डायरेक्ट हवा देते हैं, तो मैं उनके ज़्यादा फेवर में रहता हूँ कंपैरेटिव टू दीज, या फिर जो यहाँ पर लगे हुए होते हैं रूफ़ वाले ज़्यादा मुझे ज़्यादा बेहतर लगते हैं, शायद उनका जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा इनसे बेहतर है। फिलहाल हम लोग इंग्रेस करते हैं, एंड मैं देखता हूँ कि कहाँ से मुझे पीछे का इंग्रेस करना पड़ेगा, आई गेस इधर से, तो मैं उधर आता हूँ घूम के। सो गाइस यहाँ से करते हैं इंग्रेस। एक लीवर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो पहले लीवर से आपको ये करना पड़ेगा, एंड दूसरा लीवर इधर दिया गया है तो इस लीवर को आपको पुल करना है, एंड आपके पास में थर्ड रो के लिए स्पेस एक्चुअली बन जाती है। थर्ड रो का क्या माजरा है मैं एंगल चेंज करके आपको बताता हूँ। सो गाइस मैं आ चुका हूँ फिलहाल थर्ड रो में, और यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो मेरे पास लेग रूम की कमी है, तो मेरे पास लेग रूम नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट भी कुछ खासा है सच नहीं है, और पीछे का अगर हेड रिस्ट्रेंट की बात करूं तो वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड फिलहाल तो नहीं है। अगर मैं उनको एडजस्ट करके देखूं तो मेरे पास में काफ़ी अच्छा खासा एडजस्टमेंट आ जाता है, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। हेडरूम है मेरे पास में लेकिन अगर मैं रेस्ट करता हूं तो मेरा यहां पे स्ट्राइक होता है। ग्रैब हैंडल दिया गया है, पीछे के AC वेंट्स दिए गए हैं दोनों तरफ ही, नेट दिया गया ताकि अपना सामान वगैरह होल्ड कर सकें दोनों तरफ ही, आपको कैन होल्डर भी देखने को नज़र आता है। तो अच्छी बात ये कि आपके पास में यहाँ पर भी AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो लीवर काफ़ी सही है और प्रैक्टिकल है। तो इस हिसाब से जो थर्ड रो है वो है तो एक्चुअली बच्चों के लिए ही, बट एडजस्ट किया जा सकता है एडल्ट को भी यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, 100-125 किलोमीटर के लिए
उन्हें कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस होती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल इसका इंजन पे चेकआउट करते हैं, कौन कौन से इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ में आ रहे हैं, कौन कौन से इंजन फ्यूल टाइप के साथ में आ रहा है, चलिए देखते हैं। सो गाइस इंजन बे एक्सेस करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको की फॉब दिखा देता हूं। कुछ इस तरह की फॉब आपको यहां पर देखने में नज़र आएगी, लॉक अनलॉक एंड बूट की यहां पर जो है वो दी गई है, बटन्स, क्रोम फिनिशिंग दी गई है, काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट महिंद्रा ने अपग्रेड तो की। और मैं फ़िलहाल आपको इंजन भी एक्सेस कराता हूँ, सो देयर वी गो। अच्छी बात ये है कि जैसे ही मैं इसके इंजन भी को एक्सेस करूँगा तो हैज़ार्ड लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और सैड पार्ट ये है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक्स नहीं आती हैं गाइस, यानी कि आपको इस लीवर के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। लगता है हाइड्रोलिक्स इसमें दे दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे छोटे सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं, यानी कि जो स्कॉर्पियो है उसमें हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, इससे पुराने वाली या प्री फेसलिफ्टेड जो XUV 3500 थी उसके अंदर हाइड्रोलिक्स आया करते थे, तो या तो हटाए गए हैं या कुछ तो हुआ है। एनी वे, सो गाइस इसके अंदर जो इंजन आता है, यानी कि ये वाला इंजन, वो एक 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन है, जो तकरीबन 155 PS की पावर प्रोड्यूस करता है या BHP की पावर प्रोड्यूस करता है, और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अलावा इसके अंदर एक और इंजन आता है 2.2 लीटर का ही पेट्रोल इंजन, जो कि एक्चुअली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में भी आता है, सिक्स स्पीड मैनुअल एंड सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। वो पावर प्रोड्यूस करता है 140 BHP एंड 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको यहाँ पर निकालते हुए नज़र आने वाला है। ये जो गाड़ी है वो एक्चुअली डीजल में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसका डीजल का इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा भी है, रिफाइंड भी है, कोई उसमें प्रॉब्लम है सच नहीं है। सो वो लोग जो टूरिंग काफ़ी पसंद करते हैं महिंद्रा की इस कंफर्टेबल गाड़ी के साथ में अक्सर जाते हैं, क्योंकि ये मोनोकॉक चेसी के ऊपर बेस्ड है, एंड लोग अक्सर इसको स्कॉर्पियो के ऊपर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसके अंदर बॉडी रोल की समस्या नहीं है, जिसके लिए स्कॉर्पियो एक्चुअली काफ़ी फेमस है। मोनोकॉक चेसी होने की वजह से, अच्छे ट्रस सस्पेंशन सेटअप होने की वजह से ये बॉडी रोल इतना ऑफर नहीं करती है जितनी एक्चुअली यहाँ पर स्कॉर्पियो ऑफर करती है। सो यस, ये तो थी महिंद्रा XUV 500, इसका ओवरव्यू मैंने यहाँ पर दिया। और इन केस आप इसको ख़रीदना चाहते हैं या किसी भी मैन्युफैक्चरर की किसी भी गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, तो नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक वेट कर रहा है, ओनली फॉर डेलियंस के आर सब्सक्राइबर्स। यू कैन जस्ट यूज़ माय रॉयल्टी ऑफ डीलर नेटवर्क। तो बस फिलहाल तो गाइस इतना ही इस वीडियो के अंदर, मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।